हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? भावनाकुट फिल्म में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो मेरे घर की बहुत ही फेवरेट है, तो आज मैं आपको शेयर करूँगी इस रेसिपी को। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ओके, तो सबसे पहले मैं आज आपको बता देती हूँ कि आज मैं आपको लेडी फिंगर की सब्जी बना के दिखाऊंगी जो मैं अपने घर में बनाती हूँ और जो मेरे फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आती है। और जिस दिन ये लेडी फिंगर मैं बनाती हूँ तो बच्चे कहते हैं मैं तो एक कटोरी खा जाऊंगा, कोई कहता है मैं तो दो कटोरी खाऊंगा, तो बहुत इसकी डिमांड रहती है। मम्मी जी, आप हमारे लिए लेडी फिंगर बनाइए, वही मसाले वाली, ठीक है? तो आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी लेडी फिंगर जो मैं अपने तरीके से बनाती हूँ और हमेशा से यही बनाती आई हूँ, क्योंकि मुझे ये रेसिपी मेरी मम्मी जी ने सिखाई है। तो मैं आज ये रेसिपी आपको शेयर करूंगी। ओके, तो ये ली है मैंने लेडी फिंगर, आपको दिखाती हूँ। इनको धो के मैंने एकदम साफ कर लिया है और इसे काटना शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके लिए मुझे एक टमाटर, दो टमाटर हैं ये, और एक ऑनियन है, और ये कुछ 8-10 हरी मिर्च हैं, इन सबको मैं काट लूंगी। और ये लेडी फिंगर है, भिंडी है, इनको भी मैं काट लूंगी, ठीक है? तो सबसे पहले करते हैं भिंडी को काटना शुरू। ओके, तो भिंडी काटना शुरू करते हैं। और इसको मैं इतने, ये आपको दिखाती हूँ, ये इतना बड़ा पीस मैं काटती हूँ अपने घर की रेसिपी में, तो यही साइज में सारे पीसेस को मैं कट करूंगी। ओके, तो करते हैं भिंडी को काटना स्टार्ट। ओके, तो ये मैं काट रही हूँ। ये सारी लेडी फिंगर्स मैंने काट ली हैं। ओके, ये दिखाती हूँ आपको, ये भिंडी मैंने सब काट ली हैं और इनको रख देती हूँ एक साइड में। और अब करती हूँ टमाटर काटना शुरू। ओके, तो टमाटर मैं काटूंगी प्लेट, और इसमें काटूंगी मैं ये टमाटर। टमाटर आप कैसे भी काटिए, मोटे काटिए, पतले काटिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आपको अपनी स्टाइल में बता रही हूँ कि मैं अपने घर में कैसे सब्जी बनाती हूँ जो मेरी फैमिली मेम्बर्स की एकदम फेवरेट लेडी फिंगर होती है। ओके, तो ये टमाटर मैंने काट लिए, इनको कर देती हूँ एक साइड में। इसके बाद मैं काटती हूँ ये अपनी ये ऑनियन। ऑनियन को मैं हमेशा लंबे ही पीसेस में काटती हूँ, ये आपको दिखा रही हूँ, ये ऐसे लंबे काटती हूँ मैं, कभी छोटे छोटे पीस नहीं काटती हूँ। अधिकतर मेरा ऑनियन काटने का यही स्टाइल है, मैं इसी तरह से ऑनियन अपनी काटती हूँ। ओके, ये मेरी ऑनियन कट चुकी है, ऐसे कर देती हूँ इस साइड में। और ये मेरी हरी मिर्च है, इनको भी मैं कट कर देती हूँ। ओके, तो इसको भी मैं कट कर लूंगी। सबको हमने काट लिया है, हमारी लेडी फिंगर कट चुकी है और हमारी ये ऑनियन भी कट चुकी है, और ये हमारी ग्रीन चिली, हरी मिर्च, और इसके बाद में ये काटा है हमने ये टमाटर। तो शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। ओके, तो सबसे पहले हम कढ़ाई रखते हैं यहाँ पर। ओके, और करते हैं अपना फ्लेम चालू। फ्लेम कर दिया हमने चालू, कढ़ाई हमने रख दी है। ओके, इसको गर्म होने देते हैं पहले। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, ये है मस्टर्ड ऑयल, और इसे डालूंगी मैं एक, और ये दो डाल दिए मैंने मस्टर्ड ऑयल। और मस्टर्ड ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा हो गया है गर्म, अब डालते हैं इसमें हम अजवाइन, ये है आधी चम्मच अजवाइन, इसे हम इसमें डाल देते हैं। ये अजवाइन हमने इसमें डाल दी है और हमारी अजवाइन इसमें हल्का हल्का सा बॉयल हो रही है। हमारी अजवाइन हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसके बाद में मैं इसमें ये कटा हुआ प्याज भी डाल दूंगी। ये प्याज मैंने इसमें डाल दिया है और इसे मुझे ज्यादा नहीं भूनना है, इसे मुझे हल्का सा ही फ्राई करना है इस ऑयल में। ओके, हल्का सा ही फ्राई करना है। मेरा ऑनियन फ्राई हो चुका है, इसके बाद में मैं इसमें डाल दूंगी अपना ये कटा हुआ टमाटर। ये कटा हुआ टमाटर मैंने डाल दिया है और इसे मैं कर दूंगी थोड़ा सा मिक्स। ये टमाटर मैंने मिक्स कर दिया है और उसके बाद में इसके ऊपर मैं ये मिर्च डाल दूंगी। ओके, मैंने मिर्च डाल दी इसमें, और इसके बाद में मैं ये जो मैंने काटी है अपनी, इसके ऊपर ही मैं अपना ये लेडी फिंगर डाल दूंगी। ओके, और इसके बाद मैं इसे हल्का हल्का सा फ्राई करूंगी और इसके बीच में एक हल्का सा घेरा बनाऊंगी। और इसके बीच में अब मैं यहाँ पर डालूंगी ये हल्दी पाउडर, डाल दिया मैंने, और इसे मैं करूंगी हल्का सा यहाँ पर फ्राई। ओके,
और फ्लेम कर दूंगी थोड़ा डाउन, और इसके बाद में मैं इसे रख देती हूँ। मैंने इसमें हरी मिर्च डाले हैं काट के, तो उसके लिए मैं इसमें ज़्यादा इसमें रेड चिली नहीं डालूंगी, थोड़ी सी ही डालूंगी, आधा मिर्च, आधा चम्मच मैंने इसे डाल दिया है। और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा ये धनिया पाउडर है, ये दिखाती हूँ आपको, ये आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है और इसे मैं डाल देती हूँ यहाँ पर, ओके। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा गरम मसाला लेना है, ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये थोड़ा सा गरम मसाला, ये आधा चम्मच से भी कम है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ, ओके। और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें नमक, मैं आपको इसमें डालती हूँ नमक। इसके बाद ये मैंने एक चम्मच नमक लिया है, एक चम्मच नमक मैं इसमें डाल देती हूँ, ओके। और इसके बाद में मैं इसे हल्का सा मिक्स करूँगी, ज़्यादा नहीं करना है, ओके, बस ज़्यादा नहीं चलाना है इसे, वरना इसमें तार बन जाते हैं, इसे कम ही चलाना है। और फ्लेम मैंने डाउन कर दी है, उसके बाद में मैं इसे ढक दूंगी, ओके। और स्लो फ्लेम पर ही मुझे ये पकानी है, इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी टमाटर डाला हुआ है, टमाटर के जो जूस निकलेगा तो उसी जूस से ये अच्छी तरह पक जाएगी। 2 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं खोल के कि हमारी भिंडी का क्या हाल है, ओके, खोल के देखते हैं, ओके 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 ओके, अब देखिए भिंडी हमारी स्लो फ्लेम पर चल रही है और हल्का हल्का इनका पकना शुरू हो गया है। और आप ज़्यादा इसको चलाएं ना, और हल्का ही इसको चलाएं, वरना आप जितना ज़्यादा चलाएंगी ये उतना ही देर से छोड़ जाएंगी, धागा छोड़ जाएंगी और चिपचिपी हो जाएंगी, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी, ओके। अभी हमें 2-3 मिनट अभी स्लो फ्लेम पर ऐसे ही पकाना है, ओके, गैस कर देते हैं बंद, ओके। 2 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं कि हमारी भिंडी कहाँ तक गली है, ओके, खोल लेते हैं अपना ढक्कन और देखते हैं ये कहाँ तक गली है। अब देखती हूँ मैं इसका एक पीस, हमारी भिंडियाँ बिल्कुल गल चुकी हैं, ओके। अब 2 मिनट के लिए मैं इसे फोल्ड कर ही पकाने वाली हूँ, ताकि ये थोड़ी सी ऊपर से हल्का सा जो उसमें पानी सा है वो थोड़ी कुरकुरी हो जाए, ओके। तो 2 मिनट मैं इसे फोल्ड कर ही पकाऊंगी, ओके, तो छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट मैंने खोल के पका लिया है, तो ठीक है, हमारी भिंडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ऐसी तरह की हमें भिंडी बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ प्लेटिंग करके कि कैसी बनी है। फ्लेम कर देते हैं ऑफ, ओके, और पलटते हैं इसे एक कटोरी में, ओके, कटोरी में दिखाती हूँ मैं कैसी बनी है मेरी भिंडी, जो मैं अक्सर अपने घर पर बनाती हूँ और सबको बहुत पसंद आती है, ओके, तो दिखाती हूँ आपको, ओके। देखिए मेरी भिंडी एकदम रेडी हो चुकी है, बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ओके। अगर आपको मेरी भिंडी अच्छी लगी हो, अगर आपके मुँह में पानी आ गया हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपना अनुभव मुझे बताएंगे ज़रूर कि आपने कैसी भिंडी बनाई और आपको क्या क्या तारीफें मिली, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस यू टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, ओके बाय। और ये जो भिंडी मैंने बनाई है, इस पर आप थोड़ा सा ये कटा हुआ धनिया आपको दिखाती हूँ, ये गार्निश के लिए इस पर डालती हूँ, और आपकी लेडी बिकनर हो चुकी है एकदम रेडी, ओके, खाइए और इंजॉय कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी भिंडी कैसी लगी, ओके। देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप पूड़ी के साथ खाइए, परांठे के साथ खाइए, आप जैसा चाहे वैसा खाइए, और ये मेरे घर की बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, ये सबको बहुत पसंद आती है, ओके। तो बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी भिंडी कैसी लगी, ओके, बाय बाय, टेक केयर।